यहाँ टोटी लगाने से क्या फायदा है? कौन यहाँ पे पानी पीने के लिए आएगा? अब आप जरूर जवाब दीजिएगा। जितने ढेर दिन पे आया वाला पानी तो खराब है, पानी नहीं आई। रोज पानी आता है, पानी नहीं पहुँचता है सर। नहीं पहुँचता है, कितना महीना पर एक बेर कब पहुँचता है, ओकरा बाद एक महीना शुद्ध तो नहीं मिलता है। कहाँ से ऊपर देखने पे पक्षी जो होते हैं ऊपर आके ऊपर का करते, उसमें लाइटिंग करते हैं, यही सब होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं दुदही ब्लॉक के एक नरहवा डी गांव में मैं मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एक पानी का टंकी बना हुआ है। ये जो पानी का टंकी बना हुआ है सिर्फ दिखावे के लिए बना है। योगी जी तो एक मुहिम चालू किए थे, नल जल योजना। नल जल योजना के तहत ये जो टंकी बनाया गया है समथिंग करोड़ों रुपया इसमें खर्च किया गया होगा। ये पैसा सरकार का नहीं है, ये पैसा हम जैसे और आप जैसे ये आम गरीब लोगों का जो टैक्स के पैसे जाती है उसी पैसे से ये बनाया गया है। लेकिन इसका यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि ये तो बना दिया गया है लेकिन घरों में लोगों के यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इन लोगों से मैं जानने का कोशिश करूँगा क्या पानी पहुँचता है या नहीं पहुँचता। एक मेरे साथ हैं सूरदास जी हैं, क्या नाम है आपका? चंचल चौहान। कहाँ घर है? मेला में रहूँ। यही पे है आपका घर? हाँ हाँ, बगल में है। अच्छा, जो योगी जी का जो मुहिम चलाए थे नल जल योजना के तहत पानी टंकी लगवाए हैं, हर घर में शुद्ध पानी जाएगा पीने के लिए, क्या पानी पहुंचता है आपके यहाँ? पानी नहीं पहुंचता है सर। नहीं पहुंचता है, कितना? छह महीना पर एक बेर कब पहुंचता है, ओकरा बाद एक महीना गायब रहता है, फिर दो दिन आता है, फिर दो महीना गायब रहता है। और पानी भी आता है तो सर एक बाल्टी पानी भरने में कम से कम 30 मिनट आधा घंटा 45 मिनट समय लग जाता है। अच्छा। एक बाल्टी पानी भरने में बताइए कितना प्रेशर में पानी आएगा, उतना समय चाहिए न कि एक बाल्टी पानी भरने में 45 मिनट वहाँ खड़े रहने का। उससे अच्छा है तो नालका हलवा के अपना काम चलाएंगे हम लोग। योगी जी के क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी के क्या कहना चाहेंगे? योगी जी तो खुद हम लोग अंधे आदमी है। हम लोग पर ध्यान नहीं देते हैं सर। अच्छा, बताइए ना, आपको ना राशन मिलता है? नहीं राशन मिलता है, ना कोई लाभ मिलता है, कुछ कोई नहीं सर। अब बाका बाका आदमी लोग का जो बाहर में नौकरी करता है उसका लालका कार्ड बना हुआ है, उनका परमानेंट खिसानी वाला खेत भी आ रहा है, तरह तरह का लाभ लोग उठा रहा है, हमारे जैसे आदमी झांट नहीं पाते हैं लोग सर। देखिए सही बात है, ये गरीब इंसान है और आंख से अंधे देख नहीं पाते हैं, तो इनको तो वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इनको राशन जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं विकलांग को लेकर के, उन सारी योजनाएं इनको भी मिलना चाहिए। इनको राशन मिलना चाहिए, इनको पैसे मिलने चाहिए। एक और भैया जी हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा क्या आपके यहाँ पानी आता है कि नहीं आता है? सर आता है, हम तो बाहर गए थे, पहले आता था, अभी दो तीन दिन हो गया, अभी नहीं आ रहा है पानी। पानी अब नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है। चलिए, और यहाँ के ऑपरेटर भी मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानने का कोशिश करूँगा क्या इससे पानी जाता नहीं जाता है लोगों के? पानी चलता है, जाता है, मगर 1 जनवरी से बंद है, खराब है, स्प्लाइजर खराब है, उसमें वोल्टेज नहीं मिलता है, मोटर चलेगा? अच्छा, मोटर बंद है। दूसरी बात कि मेरा वेतन 1 साल से नहीं मिल रहा है। हाँ। और देखिए जब लोग कोई अधिकारी कोई फोन करना, कोई अधिकारी सुनबे नहीं करते हैं मेरा बात। हाँ। फोन करना बोलते हैं चल ठीक है, हम भेजेंगे आदमी बनेगा। हाँ। तो वो इसे करके छोड़ देते हैं, नहीं बनता, हम भी क्या करें, हम कितना अपना रिक्स लेंगे? 11,000 का वोल्टेज जा रहा है, हम नहीं छुएंगे, कुछ हो जाए कौन जिम्मेदारी होगा? और देखिए जहाँ पे लोग नया साल का जश्न मना रहा है उसी पे ये जो पानी टंकी जो बना दिया गया है, लोगों के घर पे पानी नहीं पहुंच पाता है, ये तो दिखावे का सिर्फ काम किया गया है। योगी जी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ये सिर्फ आप जो हाथी का दांत बनवा दिया इतने बड़े करोड़ों रुपये लगा करके, तो लोगों को जो पैसा लगा है तो कम से कम उनके घर में पानी भी जाना चाहिए और शुद्ध पानी जाना चाहिए। और मैं जानना चाहूँगा ये क्यों चलता है, 1 तारीख से बंद क्यों है, क्या हुआ है? स्प्लाइजर खराब है, स्प्लाइजर वोल्टेज नहीं पूरा मिल पाता है, मोटर चलेगा कम वोल्टेज पर नहीं चल पाता है। अच्छा। हाँ। चलिए मैं यहाँ देखना भी चाहूंगा कि जो स्टेबलाइजर बता रहे हैं कि जल चुका है, खराब हो चुका है, कैसे खराब हुआ है, थोड़ा वो भी सब जानने का मैं कोशिश करूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैं इस रूम में आ चुका हूँ जहाँ पे स्टेबलाइजर लगा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम लगा है जो लाइट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये जल चुका है, कहीं ना कहीं वायर सब खत्म हो चुका है,
तो क्या आपने कभी उच्च अधिकारियों को सूचना दी है? जी हम किए हैं, कंप्लेंट किए हैं, हमारे जो जेई हैं उनसे भी बोले, वो बोले जेई से बोले हम छुट गए हैं, अभी दूसरा अधिकारी से हम बात करके आदमी भेजूंगा, अभी अपने ठेकेदार जो है श्रीवास्तव जी उनको भी बोले हैं, तो बोलते हैं हम गए हैं कहीं आएंगे तो हम आदमी भेज के बनवा देंगे। जी ये देखिए, ये सरकारी काम का ना यही नतीजा होता है, जब एक बार कोई सामान खराब हो जाए ना तो महीनों दिन लग जाता है, वो शुद्ध नहीं होता है। अगर उसी जगह पर अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो वो तुरंत शुद्ध सही हो जाता है, उसको सही कराया जाता है। आप देख सकते हैं यही टंकी है और यहाँ से लोगों के घर में पानी जाता है, लेकिन एक महीना हो गया अभी तक घरों में पानी नहीं गया है। बाकी मैं गाँव के लोगों से भी जानना चाहूंगा, टोटी पे भी जाऊंगा, देखूंगा क्या वहाँ की सच्चाई क्या है, पानी जाता है कि नहीं जाता। अभी मैं एक गाँव में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहले यहाँ की जो टोटी लगा है। आप देखिए टोटी किस जगह पे लगा है, ये टोटी है, यहाँ पे खाद वगैरह भी रखा जाता है और पीछे यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है। और ये टोटी पे देखिए पानी कैसे आ रहा है, आप देख सकते हैं योगी जी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जवाब जरूर दीजिएगा। ये आप जो नल जल की व्यवस्था कराए हैं, लोगों को घरों तक पानी पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं ना, ये आपका योजना है फेल होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ चाची लोग हैं मौजूद हैं, इन लोगों से मैं जानने का कोशिश करूंगा, ये जो टोटी लगा है क्या कभी पानी आता है? ना कभी नहीं आता है। बहुत दिन से ढेर दिन पर आए वाला पानी तो खराब है, पानी न आई, रोज पानी आई तो सही पानी आई। यानी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि इसमें पानी जो आता है वो पीला आता है, खराब पानी आता है, और ये लोग इस पानी को और पियेंगे तो हो सकता है कि ये बीमार भी पड़ जाए, और जब बीमार पड़ जाएंगे दवा कराने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर इन लोगों को क्या होगा। और भी चाचा मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे टोटी लगवाने वाले योगी सरकार को? योगी जी पानी सही कराएं टंकी को, पानी भेजवाएं, सब लोग पानी पियेंगे। जी कितना दिन से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे? पिछले 4 महीने से पानी नहीं आ रहा था, फिर बीच में 5-6 रोज पानी आया, फिर महीनों दिन से नहीं आ रहा है पानी। महीने दिन से नहीं आ रहा है, अभी और भी लोग हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि महीने कभी पानी महीना में एक बार आता, अभी तो महीना दिन से आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता। पानी अगर आता भी है तो कैसा पानी, पीने योग्य आता है कि नहीं आता? नहीं, पूरा कचरा आता है, पूरा पाइप में बंद रहेगा तो कचरा ही छोड़ेगा ना, एक बार छोड़ेगा तो कचरा ही आता है, इसीलिए टंकी वाला बंद कर देता है, पानी नहीं मिलता है। हम तो वहाँ पे पूछे हैं उससे, तो बोला है कि वहाँ पे कुछ मशीनें जल गया है जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। नहीं, शुरू से ही टंकी जब से बना है ना तब से ऐसे ही चला आ रहा है। देखिए योगी जी आपके सरकार में इस तरीके से जो आम जनता के जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और भी एक टोटी यहाँ पे लगा है जहाँ पे किसी के यहाँ पे घर नहीं है और फालतू में यहाँ पे टोटी लगा दिया गया है और फिजूल का आम जनता का पैसा यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे टोटी लगाया गया और इसमें भी पानी नहीं आ रहा है, ये भी बिल्कुल खराब हो चुका है, यहाँ पे पानी नहीं है और पानी जब आता ही नहीं है तो फिर यहाँ पानी आएगा कैसे। और भी टोटी है, मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटी लगा हुआ है किस तरीके से, देखिए रोड के दोनों बगल टोटी लगा, यहाँ इधर दिखाइए थोड़ा, देखिए यहाँ भी टोटी लगा हुआ है। और एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी देखिए टोटी लगा है और लेकिन पानी कभी लाता होगा, पानी किसी में नहीं आता, ये देख लीजिए, देखिए योगी जी पानी आ रहा है, आप जरूर बताइएगा। एक टोटी वहां भी लगा हुआ है, वहां भी पानी शायद नहीं आ रहा होगा, मैं और भी जानने का कोशिश करूंगा, ये देख लीजिए, देखिए अब यहाँ टोटी लगाने से क्या फायदा है, कौन यहाँ पे पानी पीने के लिए आएगा, अब आप जरूर जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे इस तरीके का टोटी लगाने से क्या फायदा है कि जब यहाँ पे कोई पानी पीने के लिए आएगा ही नहीं। और भी लोग हैं, एक भैया यहाँ बाइक से खड़े, थोड़ा इनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा, आपका क्या नाम है? निकेश कुमार श्रीवास्तव। कहाँ घर है आपका? गुड़रिया। गुड़रिया आपके यहाँ भी ये लगा हुआ है? हमारे यहाँ भी लगा है। पानी आता है? आता है लेकिन हफ्ता में एक बार कभी कभी। अच्छा, हफ्ता में एक बार आता है, इसका पैसा भी देना पड़ता होगा? हाँ, पैसा देना। कितना पैसा देना पड़ता है? महीना का 120 रुपए करीब का है। 120 रुपए महीने का है? और पानी शुद्ध मिलता है या बस वैसे खराब? शुद्ध तो नहीं मिलता है, कैसे कि ऊपर देखने पे पक्षी जो होते हैं ऊपर आके ऊपर क्या करते हैं उसमें लाइटिंग करते हैं, ये सब होता है। अच्छा, शुद्ध नहीं मिलता है पानी, अभी पानी मतलब कई दिन से रखा रहता है तो सड़ जाता है उसमें। अब एक हफ्ता 15 दिन पे आता है तो सड़ा हुआ पानी मिलता है, कचरा मिलता है। देख लीजिए, ये मैं अपने पास से बातें नहीं बोल रहा हूँ, यहीं के लोग ये बता रहे हैं कि पानी शुद्ध नहीं मिलता है, गंदा पानी मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी अधिकारी लोग हैं, DM साहब आते हैं, वहाँ के जो
पानी टंकी है उसको तो देख लेते हैं, उसके जांच कर लेते हैं, लेकिन उनको आके ग्राउंड पे देखना चाहिए क्या पानी वाकई में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या पीने योग्य है या नहीं है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें।